Hey guys, welcome back. This is Arvind. Best smartphones under 15,000. I think ये वो right time है जब खरीद लेना चाहिए. जहाँ पे बहुत बार आप videos देखते हो और आपको हम बोलते हैं ना कि हाँ यार एक महीना wait कर लो, दो महीना wait कर लो. जो upcoming smartphone है वो बहुत कमाल के आने वाले हैं. लेकिन यहाँ पे आते आते ये scene हो चुका है कि जो upcoming smartphone होंगे ना वो इस price range में आएंगे ही नहीं. जैसे Realme की GT series हमको देखने को मिलने वाली है, Motorola की S series देखने को मिलने वाली है, iPhone की 13 series देखने को मिलने वाली है, Samsung Galaxy S21 FE देखने को मिलने वाला है, जो कोई भी इस प्राइस रेंज में नहीं आएगा. हाँ, Realme 9 सीरीज आएगी जो अभी ये नहीं आने वाली है. तो अगर आपको बजट है अंडर 15,000 का, 14,000 रुपीस का, तो दिस इज द राइट टाइम जहां पे आप कोई स्मार्टफोन परचेज कर सकते हो. और खुद अपना बजट तो सबको पता होता ही है. हम तो इंडियंस हैं, हमें तो पड़ोसी का बजट भी पता होता है कि भाई उसके पास कितना पैसा है और क्या करने वाला है वो. तो स्टिल अगर कोई स्मार्टफोन खोज रहा है इस बजट में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है. जहां पे मैंने इसमें रैंकिंग भी दे दी है, तो जो टेक से बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं रखते, जिनको इतना ज्यादा पता नहीं है, उनके लिए भी एकदम सुविधा इनटू हैंडेड हो गई है. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और इसी के साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, उसके साथ कर लो बेल आइकन को प्रेस. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो यहाँ पे हम उल्टे क्रम में चलने वाले हैं. जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे स्मार्टफोन और बेस्ट बनते जाएंगे, लेकिन उनमें भी मैंने बहुत सारे ट्विस्ट डाल दिए. मुझे पता है शॉर्ट में निपटा सकते हो आप, तो मेंटोस खाने की आजादी मैं तो आपको दूंगा नहीं. मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे. और जो फिफ्थ नंबर का स्मार्टफोन है वो है सैमसंग गैलेक्सी M31. ये वो पहली सीरीज है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट हुई थी सैमसंग की तरफ से, और ये नोएडा दिल्ली की बात मैं आपसे कर रहा हूँ. अब यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है 6.4 इंचेस की, और यहाँ पे आपको फुल HD+ रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, और इसी के साथ एक्सिनोस 9611 देखने को मिलता है जो सैमसंग की खुद की खेती है. अभी यहाँ पे स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होता तो सैमसंग लास्ट ईयर इतनी गालियां ना खाता. ये प्रोसेसर इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग इतना बेकार भी नहीं है. जिसको डेडिकेट गेमिंग नहीं करनी है, अब सारे लोग गेमर तो नहीं होते हैं ना, तो उनके लिए बिल्कुल बेस्ट स्मार्टफोन है. 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी है, 15 वोल्ट की चार्जिंग है. हाँ, चार्जिंग मुझे पता है काफी कम है, 2.5 घंटे ले लेता है फुल चार्ज होने में, लेकिन फुल चार्ज होने के बाद 2 दिन निकाल देगा आपके आराम से. और इसी के साथ ये 6GB 128GB वेरिएंट के साथ 14,999 रुपीस में देखने को मिलता है. ये 15,000 रुपए की प्राइस रेंज में बहुत सारी स्टोरेज, बहुत सारी रैम और काफी अच्छा पैकेज लेके आता है डिस्प्ले के पर्सपेक्टिव से. तो अगर किसी को सैमसंग के स्मार्टफोन में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली इस स्मार्टफोन के साथ आप जा सकते हो. और उसके बाद जो अगला स्मार्टफोन मैंने इस प्राइस ब्रैकेट में रखा है वो है Realme Narzo 30 Pro 5G. अब ये जो फोन है वो आपकी 5G की सारी नीड्स को पूरा करेगा. ड्यूअल 5G सिम आप इसमें डाल सकते हो अगर आपके पास है और आप 5G वाली जगह पे रहते हो तो, अभी इंडिया में तो है नहीं. अब इसी के साथ मैं यहाँ पे Redmi Note 10T 5G और Poco M3 Pro 5G और मैं यहाँ पे Realme 8 5G को भी सिलेक्ट कर सकता था, लेकिन उन तीनों में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. ये एकमात्र ऐसा फोन है जो मुझे लगता है कि इस प्राइस रेंज में यहाँ पे 5G के साथ आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा. Dimensity 800 को लेकर इसमें Dolby Atmos वाला साउंड है, और इसी के साथ कैरियर एग्रीगेशन देखने को मिल जाता है 4G+, मतलब कनेक्टिविटी के मामले में बिल्कुल कमाल चीज बनाई है. 5000 mAh की बैटरी के साथ 30 वोल्ट की चार्जिंग है, और 6.5 इंचेस की डिस्प्ले के साथ आपको 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है. तो यहां पे सब कुछ वो देखने को मिल जाता है जो 5G के साथ साथ हम एक अच्छे फोन से एक्सपेक्ट करते हैं. इसी के साथ 6GB 64GB का इसका जो रैम वेरिएंट है वो 15,999 में देखने को मिलेगा, लेकिन काफी सारे कार्ड्स पे डिस्काउंट चलता रहता है, तो आप इसमें खरीदोगे तो आपको ये 15,000 की प्राइस में पड़ जाएगा. तो आपको अगर 5G फोन खरीदना है तो इसके अलावा 15,000 के नीचे किसी फोन के साथ भी मत जाना. इसके बाद जो तीसरे नंबर पे मैंने स्मार्टफोन रखा है वो है Redmi Note 10s. अब ये जो है Redmi Note 10 और Note 10 Pro के बीच में कहीं आता है, जहां पे आपको Redmi Note 10 के कंपेयर में बेस्ट कैमरा और बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है. इसमें आपको 6.43 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है जो काफी हैंडी साइज में आती है, फुल HD+ रेजोल्यूशन है, और इसी के साथ 64 MP का क्वाड रियर कैमरा है. 5000 mAh की बैटरी के साथ 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है, और इसी के साथ ये Helio G95 को लेके आता है. ये काफी कैपेबल सा प्रोसेसर है, यहाँ पे आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो, गेमिंग भी कर सकते हो, और इसी के साथ आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स इसमें देखने को मिल जाते हैं. और इसी के साथ आपको ये IP53 वाटर एंड डस्ट प्रूफ देखने को मिल जाता है, और आप इस फोन को रिमोट की तरह भी यूज कर सकते हो, मतलब इसमें IR ब्लास्ट आपको देखने को मिलता है. 6GB 64GB के साथ इसकी जो प्राइस है वो है 14,999 रुपीज, तो इसके साथ भी आप जा सकते हो.
अगर आपकी प्रायोरिटी है कैमरा और प्रोसेसिंग पावर उसी के साथ डिस्प्ले भी। और इसके बाद जो दूसरे नंबर पे मैंने स्मार्टफोन रखा है वो है Realme 8। ये काफी ज्यादा लाइट वेट और काफी ज्यादा स्लिम है, तो जिन लोगों को लाइट वेट स्मार्टफोन पसंद है ना उनके लिए बिल्कुल बेस्ट डील हो सकती है। 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा इसमें और इसी के साथ 6.43 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है और ये आता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ जो काफी अपने आप को फ्यूचरिस्टिक दिखाता है। और इस प्राइस रेंज में कोई भी ऐसा फोन नहीं है जो आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट प्रोवाइड करता हो अंडर 15,000 में। और ये लेके आता है अपने साथ Helio G95 वाला प्रोसेसर जो डेफिनेटली थोड़ा बहुत हीट तो आई नो होता है, जैसे मैंने Redmi Note 10 S में भी यही प्रोसेसर बताया तो थोड़ा बहुत हीटअप होता है, लेकिन इसमें आपको देखने को मिल जाती है कॉपर लिक्विड कूलिंग जिसमें आप गेमिंग भी अच्छी खासी कर सकते हो। तो डेफिनेटली काफी अच्छा काम किया है Realme ने इसके साथ। 5000 mAh के साथ 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है और ये फोन देखने को मिलता है 4GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ आपको 14,999 रुपीज में। तो मुझे पता है कि काफी सारे फोन जो है वो 14,999 ही आ रहे हैं, लेकिन स्टिल ये फोन आपकी सारी नीड्स को फुलफिल कर सकता है अंडर 15,000 के प्राइस में अगर आपके लिए डिस्प्ले प्रायोरिटी है, परफॉर्मेंस प्रायोरिटी है और इसी का स्लिम और लाइट वेट डिजाइन प्रायोरिटी है। तो और उसके बाद आता है अपना सबसे बेस्ट और सबसे सुपीरियर स्मार्टफोन, नंबर वन स्मार्टफोन, और वो है Motorola G40 Fusion। अब यहां पे Snapdragon 732G प्रोसेसर को लेके आता है जो एकमात्र ऐसा फोन है जो इस प्राइस में आपको ये वाला प्रोसेसर प्रोवाइड करता है। और इसी के साथ अगर आपको कोई ऐसा फोन चाहिए ना जिसमें मैथमेटिक्स एकदम घुला मिला के डाली गई हो, बड़े बड़े नंबर्स जिसमें डाल दिए गए हो, तो यह फोन आपके लिए ही बना है। जहां पे 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, 6.8 इंचेस की एक बड़ी सी डिस्प्ले देखने को मिलती है 120 हर्ट्ज के हाई रेजोल्यूशन के साथ, और इसी के साथ ये आता है 6000 mAh की एक बड़ी सी बैटरी को लेकर, 20 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है और इसी के साथ स्टोक एंड्रॉइड आपको प्रोवाइड करता है। बहुत ही कमाल की प्रोसेसिंग पावर है, बहुत ही बड़ी सी आपको इसमें देखने को मिल जाती है बैटरी और डिस्प्ले, और काफी कमाल की रिफ्रेशिंग भी आपको देखने को मिल जाती है 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट के साथ। तो ये जो फोन है 4GB 64GB के साथ आपको देखने को मिलेगा 14,500 रुपए की प्राइस में, 14,499 रुपीज में। और अगर आप सेल्स में इन फोन को खरीदते हो ना तो और भी आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है, जहां यह फोन काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है और डेफिनेटली आपकी सारी नीड्स को फुलफिल कर सकता है अगर आप एक गेमर हो और इसी के साथ आपको चाहिए एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन भी इस प्राइस रेंज में। तो बस यार ये कुछ 5 स्मार्टफोन हैं जिनके लिंक जो हैं वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, जहां पे आप डायरेक्टली जाके खरीद सकते हो। बाकी आपका इनमें से कौन सा फेवरेट है नीचे लिख के बताना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी आज का जो वीडियो है वो यहीं पे खत्म हो जाता है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को प्रेस, और वीडियो डेफिनेटली अगर आपको पसंद आया तो लाइक भी करना है और इसके साथ करना है शेयर। और एज यूजुअल हैव अ फैंटास्टिक डे और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए